की व्याख्या थम ही नहीं रही है। शुरू यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, अब उनके मंत्री इसमें कूद पड़े हैं। आत्मज्ञान से भरपूर योगी के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दावा किया है कि बजरंग बली जाट थे। मंत्री जी ने इसके पीछे बाकायदा आत्म मंथन से निकला तर्क भी दिया है। तो यूपी के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का ये बयान आया लगातार। हनुमान जी की जाति को लेकर अपने अपनी बातें रख रहे हैं लोग। अब तो हनुमान जी को जाट बता दिया है मंत्री लक्ष्मी नारायण ने। कल बीजेपी के एमएलसी ने उन्हें मुस्लिम बताया था। देखिए, हनुमान जी जो सनातन धर्म में विश्वास करता है वो प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी की पूजा जरूर करेगा। हनुमान जी हमारे पूर्वज थे और हनुमान जी के बारे में तरह तरह की बातें लोगों के कहना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा स्पष्टीकरण दे चुके हैं। कल ये बात आई थी तो मैंने इतना कहा था कि देखिए, हम किसी भी स्वभाव से ये पता करते हैं कि ये किसके वंशज होंगे। जैसे वैश्य जाति का हम ये मानते हैं एक वो अग्रसेन के वंशज हैं, क्योंकि अग्रसेन महाराज स्वयं व्यापार करते थे। इसलिए जाट का स्वभाव होता है एक यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या ना हो, वो उसमें ज़रूर कूद पड़ता है। तो अब ऐसे ही हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता जी, सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए, तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है। इसलिए इससे पहले कल बीजेपी के ही एमएलसी बुक्कल नवाब ने हनुमान जी को मुसलमान बताया था। हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे, हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, ज़ीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। यूपी के